पोहा और समोसा आप बेचते हैं? 3 बजे उठना पड़ता है। 3 साल करीब चार का किया इसमें। टेबल बस लगा दी यहाँ पे स्टील का। हाँ, ये बैठने का बना दिया। ये बैठने का घर से रेडी कर बर्तन वर्तन ये सब पूरा सेटअप लेके 50,000 लगता ही। ये कितने का आप खरीदे थे? मेहनत तो बहुत मेहनत तो 3 बजे रात उठना है, थोड़ा मोड़ा बच जाता है। 7-8 दिन लगाते हैं। मेहनत ज़्यादा किस में, समोसा बनाने में कि ये? समोसे। समोसे में तो आप वर्कर को भी सैलरी देते हो? हाँ, 450 रुपये पर डे। नाम से लोग आते हैं, त्रिपाठी टी स्टॉल के नाम से। हाँ, पोहा में क्या क्या ऐसा मिलाते हैं? डेली का कितने का सेल है अप्रॉक्स? 5-10 हज़ार का होगा। 5-10 हज़ार का। समोसा 20 रुपये है। 20 रुपये? पोहा भी 20 रुपये है। मैं ये देना चाहता हूँ, ये रिस्पेक्ट है ना, जो आप ये काम करते हैं और बहुत अच्छा। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नेवर के अपीडियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे गाइस। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ बिज़नेस रिलेटेड, ताकि आप भी कोई बिज़नेस कर सके और आगे बढ़ सके। कम पैसे में भी आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मेरे साथ है मिस्टर बास्की त्रिपाठी जी है, देख सकते हैं वो समोसे और इस टाइप से वो पोहे का लगाते हैं शॉप। गेट नंबर 4 एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में ये लगाते हैं। तो चलिए आइए, हम उनसे बात करेंगे और आगे की जानकारी लेंगे। और अगर आपको खाना हो तो यहाँ की पोहा बहुत फेमस है, और आप आइए। रायपुर वाले जितने भी हैं मैं कहूँगा आइए और खाइए। और ये बिज़नेस के बारे चलिए हम बात करेंगे और आगे की जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हेलमेट पहना हूँ। हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी घर से निकले तो प्लीज़ आप हेलमेट पहन के निकलिए, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। तो मेरा ये आह्वान है आप लोग से कि आप प्लीज़ हेलमेट पहन के निकलिए। और चलिए आइए हम आगे की जानकारी इनसे लेते हैं, मिस्टर बास्की से। बास्की जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये बिज़नेस आप कब से कर रहे हैं, ये समोसा और ये 5 साल हो गए। 5 साल से कर रहे हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट किया, मतलब इससे पहले क्या करते थे आप? पहले चाय का दुकान था। अच्छा। उसके बाद उसमें हो नहीं पा रहा था, तो फिर इसको नाश्ते का डाल दिया। अच्छा। अभी इसमें ठीक है अपना, अच्छा खाता। तो चाय का कितने दिन तक, मतलब चाय का बहुत टाइम से कर रहे थे क्या आप? ये इसी जगह में? हाँ, 3 साल करीब चाय का किया इसमें। हाँ, उसके बाद ये 2 साल से करीब नाश्ते का डाल दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब पोहा और समोसा आप बेचते हैं? जी, बहुत आइटम है, पर अभी क्या है कि बन नहीं रहे हैं। हाँ जी, बहुत आइटम है लेकिन अभी बना नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। आदमी की शॉर्टेज है इसलिए। क्या क्या और क्या क्या बेचते हैं? छोला भटूरे है। अच्छा। भजिया है, बड़ा है। अच्छा अच्छा। आपका कचौड़ी है। हाँ हाँ हाँ। इडली डोसा सांभर बड़ा, बहुत आइटम था अभी आदमी की वजह से। अच्छा, आदमी अभी थोड़ा वो पहले जो आदमी था तो ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से अभी नया आदमी आज इस कोर्ट में आता भी है। बाद में देखेंगे कोई मिलेगा तो। हाँ, 2 प्लेट आपको ना। तो बास्की जी, ये कितने कितने का बेचते हैं आप? ये समोसा 20 रुपये है। 20 रुपये का? पोहा भी 20 रुपये है। अच्छा, 20 रुपये का 2 है। 2। अच्छा, ये पोहा भी बेचते हैं? ये सब भी है। अच्छा, ये पोहा में डालते हैं दोनों? हाँ। पोहा और उसमें। ओके ओके। तो ये चटनी है। अच्छा, वो चटनी है। तो ये बिजनेस आप कितने रुपये से स्टार्ट किए थे शुरुआत में? 15 रुपये से किए थे चालू। हाँ, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट कितना किए थे आप शुरू में? 3-4 हज़ार रुपये करीब। 3-4 हज़ार से चालू किए थे। और ऐसे आप ये भी? हाँ, ये पान गुट का भी है साथ। पान गुट का भी है? हाँ, इसके पकड़ने के हिसाब से। कितने बजे सुबह लगाते हैं आप? 6 बजे चालू हो जाए। और कितने बजे तक? 6 बजे तक। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक, मतलब 12 घंटा पूरा काम। तो ये सब 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे उठना पड़ता है? हाँ। 3 बजे से आप चालू कर देते हैं? 3 बजे से सामान रेडी करना। हाँ। फिर ऑटो में करना लाद के लाते हैं। अच्छा। और वर्कर भी रखे आप? हाँ, ये वर्कर है। अच्छा अच्छा। तो यहीं पे सब छानना और ये? हाँ, सब ये सब यहीं पे पूरा रेडी होता है। हाँ। अभी डेली का कितने का सेल है अप्रॉक्स? 5-10 हज़ार का होगा। 5-10 हज़ार का है। आपका जैसे पोहा बहुत फेमस है इस एरिया में। हाँ। ये पोहा में क्या क्या ऐसा मिलाते हैं आप? उसमें प्याज रहता है, सरसों रहता है, मिर्चा हो गया। हाँ। मीठी नीम हो गया। अच्छा। शक्कर है। हाँ। नमक है, उसके बाद तेल हो गया, फल्ली वगैरह भी डालते थे तो अभी फल्ली बंद कर दिए। हाँ। तो ये सबसे ज़्यादा टेस्ट बनता है पोहा? हमारा डेली का 3-4 किलो का लगभग।
तेल है। अच्छा, और समोसा कितना है? और समोसा भी 250 के आसपास। 250 समोसा, हाँ ठीक है। अब 12 महीना आपका चलने वाला है, बारिश में कम हो जाता होगा? हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। रोड साइड लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है? प्रॉब्लम तो अब जैसे ऑटो वगैरह लगा देते हैं, हाँ अब उनको मना भी करते हैं तो भी से नहीं मानते, पर हो गया, जैसे भी करके अपना सामान निकल जाता है। हाँ, बंधे हुए ग्राहक है, पुरानी दुकान है। हाँ, नाम से लोग आते हैं, त्रिपाठी टी स्टॉल के नाम से। हाँ, तो इससे आपकी फैमिली सब चल जाती है? हाँ हाँ, अच्छा, सारा चीज़ आप इसी से है पूरा। हाँ, तो आप वर्कर को भी सैलरी देते हो? हाँ, 450 रुपये पर डे। 450 रुपये पर डे? अच्छा, रोज का दे देता। अच्छा, रोज का दे देते हैं। और भी वर्कर आप रखेंगे? रखते हैं आप, मतलब अभी आ गए? अभी बंद कर दिया हूँ थोड़ा सा। हाँ, काम आगे बढ़ेगा तो फिर। हाँ, और मेहनत ज़्यादा किस में, समोसा बनाने में कि ये समोसे? समोसे में ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, ये पोहा 110 रुपये। पोहा बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? पोहा बनाने में 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट? हाँ। अच्छा, सब काम रेडी करके रखना पड़ता है, उसको भिंगा के, इसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, इसमें कभी बचता भी आपका, मतलब नहीं नहीं बचने का चांस तो नहीं रहता? बचने का बचेगा। हाँ, माल उतना ही बनता है जितना खपत होगा। अच्छा, कभी कभार छुट्टी वगैरह पड़ जाता है तो थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो। हाँ, 7 दिन लगाते हैं? 7 नहीं, 6 दिन। 6 दिन? 1 दिन रेस्ट। 1 दिन रेस्ट? हाँ। कौन से दिन रेस्ट लेते हो? संडे। संडे को? हाँ। इस काम में प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है? इसमें आधे का रहता है। 50% प्रॉफिट? हाँ, है आधे का रहता है। हाँ, बाकी मेहनत है? हाँ मेहनत तो बहुत है। बहुत मेहनत तो 3 बजे रात उठना है और समझो आपके 6 बजे तक यहाँ आ पाते हैं, इसके बाद 6 बज जाता है यहीं, घर जाते जाते 7 भी बज जाते हैं। फैमिली को टाइम संडे को देते हैं आप? हाँ हाँ, पूरा दिन संडे। अच्छा, पूरा दिन संडे को घर ही मिला। और फैमिली में और कोई सपोर्ट करता है बनाने में सब चीज़? नहीं, कोई मिसेज करती है। अच्छा, मिसेज घर से रेडी कर देती है सामान। अच्छा, इसके बाद हम पूरा काम अपना यहीं करते हैं। हाँ, बढ़िया। आलू वगैरह वहीं से लाते हैं बना के मसाला। अच्छा, बस यहाँ पे छानने का? हाँ, मैदा लगा के, पोहा भिंगा के। हाँ, कटिंग फिटिंग वाला काम यहीं होता है। और आपने एक टेबल बस लगा दिया यहाँ पे? हाँ, स्टील का। हाँ, ये बैठने का बना दिया। ये बैठने का बना दिया। इसमें ये कितने का खरीदे थे जब आप खरीदे थे तो? ये ठेला ये 29,000 का पड़ा था टोटल। 29,000 का बनवाए थे पूरा कंपनी। ये कितने का आप खरीदे थे? ये 4,500। 4,500? हाँ। अच्छा, स्टील का बनवाया गया था ऑर्डर से इसको। अच्छा अच्छा, तो टोटल 40,000 समथिंग का खर्चा। हाँ, है आपका है? 50 पकड़िए पूरा। 50 पकड़ के यार, बर्तन वर्तन ये सब पूरा। हाँ, सेटअप लेके 50,000 लगते ही। अच्छा, बास्की त्रिपाठी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी आपने जानकारी दिया है। बास्की जी, अगर ये बिज़नेस कोई करना चाहता है तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर कोई भी ऐसा रोड साइड करना चाहता है तो? कभी कम से कम सर इसमें 40,000 पकड़ लीजिए, पूरा ठेला वोला सेटअप करते हुए 40,000। 40,000 पूरा सिलेंडर गैस सब पूरा सेटअप करते हुए। गैस कितने कितने दिन में ख़त्म हो जाता है आपका? तो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा सम्मान देना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से, नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से। बास्की जी, एक छोटा सा सम्मान है आपको, मैं ये देना चाहता हूँ। ये रिस्पेक्ट है ना, जो आप ये काम करते हैं। और बहुत अच्छा, आप ये पोहा आपके एरिया में बहुत फेमस है तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जैसे लोगों से मिलते हैं तो। और कहीं ना कहीं एक खुद का बिजनेस है। आपने पढ़ाई कुछ किया है क्या? जी, बास्की जी कितना पढ़े आपने? 10th। फिर उसके बाद नहीं पढ़ाई किया? क्यों नहीं पढ़ाई? फिर वो कुछ हालात ऐसे हो गए तो नहीं कर पाए। बहुत टाइम से रायपुर में, 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। आप बेसिकली कहाँ से हो? MP मध्य प्रदेश, सतना जिला। अच्छा, सतना जिला से हैं जी। तो देख सकते हैं, इस टाइप का भी आप बिज़नेस कर सकते हो। और कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो कम पैसा किस में लगेगा, पोहा में कि समोसे में? पोहे में। कितना रुपये इन्वेस्ट कर सकता है?
पोहे में तो एक किलो से स्टार्ट करेगा तो वही 15 प्लेट करीब बनेगा एक किलो पोहा। अच्छा, तो भी से पूरा खर्चा वर्चा मिला के 100 रुपये करीब खर्चा बैठता है। अच्छा, एक किलो में, एक किलो पोहे में। अच्छा, समोसे में ताम झाम बहुत है। समोसा हर कोई नहीं कर पाता। तो अभी दिन भर पोहा बेचते हैं? नहीं नहीं, ये तो अभी थोड़ा मार्केट अभी ले नहीं रहा, नहीं तो इस टाइम तो ख़त्म हो जाता है। आज आपको कैसा लगा वीडियो बना के? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। और आपका लोकेशन सर बता दीजिए कहाँ पे है? ये टाटीवन यम हॉस्पिटल है। हाँ, 4 नंबर गेट नंबर 4 के पास है। तो आप आ सकते हो दोस्तों। और आप दूसरों के लिए कुछ कहना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है वो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरों के लिए क्या, अपनी अपनी सोच है जिसको जैसा। हमें नौकरी भी किया तो नौकरी में कोई रिस्पांस नहीं था। तो मैं सोचा कि अपना खुद का ही क्यों ना कर लूँ, दूसरे का। नौकरी कितना टाइम तक किया? नौकरी करीब 12 साल करीब किया मैंने। 12 साल किया? 600 रुपये से रायपुर में नौकरी किया था आगे। क्या क्या नौकरी करते थे? मारुति शोरूम में काम करता था। अच्छा, कार वगैरह का। अच्छा, मैकेनिक था। अच्छा, फिर हो गया, उसमें भी कोई खास वो नहीं था, अधिक ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बोला कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें अपना शरीर भी वो रहे, तो इसमें ठीक है अपना। मेहनत करते हैं बढ़िया, रात में गए अब आराम से खाए पिए सो गए, फिर उठे अपना चले, मतलब ये नौकरी ही है समझिए। एक दिन वर्किंग, एक दिन रेस्ट। तो बासकी जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों ऐसे ही आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, डेली आता है मेरा वीडियो 1 बजे रात को 9 बजे, ऐसे ही देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। और ऐसे लोग से जब आपको मिलवाता हूँ कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट होते होंगे। और बस आगे बढ़ते रहिए, कभी हार मत मानिए। बहुत टाइम ऐसा लगेगा आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, लेकिन चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इस तरह से बिजनेस करते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, मेहनत बहुत है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ईजिली आप कमा सकते हैं, मेहनत काफ़ी है इसमें। और ऐसी मेरा वीडियो डेली आप देखा कीजिए और कभी हार मत मान के इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू।